हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड की हेल्प लेते हुए हमें इन सभी का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, स्क्वायर रूट होता क्या है, जैसे कोई नंबर है 25, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड में क्या करना होता है, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर कौन होता है, 5 × 5, ठीक है, अंडर रूट में जिसका पेयर बन जाता है। जैसे कि 5 और 5 का पेयर बना तो इन दोनों में से बाहर कौन आ जाएगा, 5, ठीक है। अंडर रूट में से बाहर दो में से कोई एक नंबर ही बाहर आएगा, तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने 36 का लिया, 36 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 2 का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों के पेयर में से 2 बाहर निकल गया, इन दोनों के पेयर में से 3 कॉमन आया, 3 × 2 = 6, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा, 36। ये होता हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरीके से हमारा पहला पार्ट है 729 का। अब इनके फैक्टर करने का तरीका, जैसे कि हम इसको इस तरीके से आप इसको अलग अलग टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट में 9 आ रहा है तो 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 ये नंबर आते हैं, यानी ऑड नंबर आते हैं, उसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। अगर इवन नंबर होता है 0 2 4 6 8 तो 2 का डिवाइड चला जाता, 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का देंगे। अब 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा पता कैसे लगाएं, जोड़ कर देखो इनको, 7 और 2 9 9 और 9 18 18, 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड जाएगा। मैंने 729 में 3 का डिवाइड दिया, 3 × 2 = 6 1, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। अगेन 3 का चेक करो, 2 और 4 6 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड दोबारा जाएगा, डिवाइड दिया, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 8 और 1 = 9, 3 का जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 27 तो 3 की टेबल में आती है, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो 729 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का बना, इन दोनों का, इन दोनों में से 3 कॉमन, 3 बाहर, 3 बाहर, 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27, ये इसका अंडर रूट होगा, क्लियर। अब हम इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट दे रखा है 400, इसके अंडर रूट हमें करने हैं, ठीक है। तो 400 के फैक्टर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब पीछे 0 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 में इसका डिवाइड है, 2 × 2 = 4, 0 का 0 0 का 0, फिर इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। आपको शुरुआत छोटे नंबर से करनी है, 2 से, 2 का नहीं जाए 3 का, 3 का नहीं जाए 4 का, कंटिन्यू और इस ऑर्डर में बढ़ना है, 2 × 1 = 2 0 0, फिर इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 × 5 = 10, 0 आया, 2 का डिवाइड जा रहा, 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10, फिर इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, सीधा 5 का ही डिवाइड जा रहा है, 5 × 5 = 25 5 × 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कितने, 1 2 3 4 1 2 3 4, 5 को लिखेंगे 2 बार, तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, जिसका पेयर बन गया 2 बाहर 2 बाहर 5 बाहर, 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, क्लियर। फिर बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, तीसरा पार्ट हमें दे रखा है 1764, इसके फैक्टर यहाँ करते हैं। अब देखो, इसके लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है यानी इवन नंबर है, 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, 2 का डिवाइड दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, तो 2 × 8 = 16, 1 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, लास्ट में 2 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 440 1 आया, आखिरी में बना के 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 4 + 4 = 8 और 1 = 9, 3 का चला जाएगा, 3 × 1 = 3 1, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 21, दोबारा चेक करो, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 और 4 = 11, 11 और 1 = 12, 12 तो 3 की टेबल में आता है, जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 27, अब 49 आया, 9 और 4 = 13, 13 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 4 का भी डिवाइड नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 3 × 3 एंड 7 × 7, पेयर बना, इन दोनों में से 2 बाहर 3 बाहर 7 बाहर, 2 × 3 = 6 6 × 7 = 42, तो इसका अंडर रूट कितना होगा, 42 होगा, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट,
वो हमें दे रखा है। देखो ये जो साइन होता है ये उसे होता है स्क्वेयर रूट का, और स्क्वेयर रूट में क्या होता है दो में से एक ही नंबर बाहर आ पाता है। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8 1, 2 8 ज़ा 16, 2 में इसका डिवाइड दे 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जब तक इसके लास्ट में इवन नंबर आते रहेंगे यानी कि 0 2 4 6 8, तब तक 2 का डिवाइड चलता रहेगा। 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10 1, 2 6 ज़ा 12, 6 आया 2 का डिवाइड जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 1, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 32 ज़ा 62, 2 का डिवाइड जाएगा 16, फिर 2 का डिवाइड जाएगा कितना आएगा 8, 2 का डिवाइड जाएगा 4, 2 का डिवाइड जाएगा 2, 2 का डिवाइड जाएगा 1। तो ये सारे नंबर हैं इतने निकल के आ गए, कितने 2 हैं टोटल हमारे यहाँ पर। तो 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 निकल के आए हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका पेयर बना, 2 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से 2 बाहर, 2 2 2 2 एंड 2, टोटल 6 पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ये इसका अंडर रूट होगा 64। ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब डिस्कस करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 7744 यानी 7744। यहाँ पे करेंगे 7744, आखिरी में इवन नंबर आ 2 का डिवाइड जाएगा 2 3 ज़ा 6 1, 2 8 ज़ा 16 1, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 का डिवाइड जा रहा है फिर इसमें 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। मैं डिवाइड दे रहा हूँ पे, ठीक, आप साइड में चाहो तो साइड में भी डिवाइड कर सकते हो, वरना 2 का डिवाइड तो वैसे नॉर्मली होता है, आराम से दिमाग में भी हो जाता है। 2 9 ज़ा 18 1, 2 6 ज़ा 12 1, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 2 4 ज़ा 8 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का जा रहा है यहाँ पे डिवाइड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 121 जो होता है इसमें केवल और केवल 11 का ही डिवाइड जाता है, ना 3 का जाता है, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, सीधा 11 का ही जाएगा। 11 में इसका डिवाइड दे 11 आया, 11 में इसका डिवाइड देंगे 1 आया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और 11 कितने आए 2, 1 और 2, इसका पेयर बना, 2 बाहर आया, 2 आया और 11 आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 निकल के आ जाएगा। इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। अब इसके हम फैक्टर करते हैं 9604, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 1 ज़ा 2। अब ये नंबर आखिरी में 1 आ गया, यानी कि अब 2 का तो डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 3 का रूल क्या है 2 प्लस 4 6 6 और 1 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, अगर 2 का डिवाइड नहीं किया तो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का रूल होता है आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, मतलब 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का रूल होता है अगर 2 का डिवाइड जा रहा है और 3 का जाता है तो 6 का जाएगा, जब 2 और 3 का ही नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर आता है 7 का इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है, डिवाइड करके आप साइड में देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, देखो 2 4 0 1, 7 का डिवाइड दिया 7 3 ज़ा 21, माइनस किया कितना है 3, उतारा 0, 7 4 ज़ा 28, 2 उतारा 1, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 7 का पूरा डिवाइड इसमें चला गया, कितना है 343, फिर इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है 7 4 ज़ा 28, 6 बच गया 7 9 ज़ा 63, फिर इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा
7, तो इसके जो फैक्टर निकल गया है वो यहाँ मेंशन करेंगे, 2, 2, 7, 7, 7 एंड 7, पेयर बना, 2 बाहर 7 एंड 7। तो देखो 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका सेवन्थ पार्ट हमें दे रखा है हमें इसका 5 9 2 9, इसका अंडर रूट निकालना हमें। तो निकालने का फिर वही तरीका है, पहले फैक्टर करेंगे 5 9 2 9, आखिरी में 9 आ रहा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का रूल 9 और 9 18, 18 में 2 जोड़े 20, 5 25, 25 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का 2, 5 का 2, 6 का 2, इसमें 7 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें डिवाइड देके देखते हैं 7 का, 5 9 2 9, 7 का 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, माइनस किया 3 उतारा 2, 7 4 जा 28, माइनस किया 4 उतारा 9, 7 7 जा 49, यानी 7 का इसमें कंप्लीट डिवाइड चला गया, कितना आया 8 47, फिर इसमें 7 का डिवाइड जा रहा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121 में तो 11 का ही डिवाइड जाता है, डिवाइड देंगे 11 आएगा, 11 में 11 का डिवाइड दिया 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 7 × 7 × 11 × 11, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, 7 बाहर 11 बाहर, 7 7 11 7 जा 77, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका 8th पार्ट, हमें दे रखा है 9 2 1 6, इसके फैक्टर करेंगे 9 2 1 6। क्लियर, पीछे 6 आ रहा, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, 2 का इसमें डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 4 आ रहा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 आ रहा, 2 का डिवाइड देंगे, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 36, 2 का डिवाइड दिया 18, 2 का डिवाइड दिया 9, अब 9 में तो 3 का डिवाइड जाता है, 3 में 3 का डिवाइड दिया 1, तो कुल मिला के कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 3 भी तो आ रहा है, 3 × 3, पेयर बनाया, इनका पेयर बनाते चले गए। ठीक है, इन दोनों में से 2 बाहर, इसमें से 2, इसमें से भी 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और यहाँ से लेंगे 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इंटू में 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा 8th पार्ट हुआ। अब डिस्कस करेंगे इसका 9th पार्ट, 9th पार्ट में दे रखा है इसका 5 2 9। ठीक, अब इसके फैक्टर हम यहाँ कर लेते हैं, पीछे 9 आ रहा, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करके देख लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 5 16, मतलब 16 आया, 3 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें हम 4 का भी नहीं जाएगा, पीछे 9 आ रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड देखो, 7 का भी नहीं जाएगा। जब आपके 7 तक नंबर पहुंच जाए ना, तब आप ट्राई करो इसमें प्राइम नंबर का, क्योंकि जब कभी नंबर किसी में डिवाइड नहीं जा पाता तो डेफिनेटली प्राइम नंबर का चला जाता है, जैसे कि 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, डिवाइड करके चेक करने पड़ेंगे। तो इस नंबर में 23 का ही डिवाइड जा रहा है, 529 में 23 का डिवाइड देंगे, 23 2 जा 46, माइनस किया कितना आया 6, 23 3 जा 69, तो इसमें डिवाइड देने पे 23 का आंसर 23 ही आएगा, और 23 में डिवाइड देंगे 23 आएगा, तो यहाँ लिखा मैंने 23 × 23, दोनों का पेयर बना, कितना आया 23 निकल के आया। ठीक है, तो इसका रूट कितना होगा 29। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है 8100, इसका हमें अंडर रूट निकालना है। ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने 8100, लास्ट में 0 0 है, या फिर आप इसको
इस तरीके भी इसे कर सकते हो, 81 को अलग कर दिया, 100 को हमने अलग कर दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब 81 है, 81 कैसे निकल गया आता है, 9 × 9, और 100 कैसे आता है, 10 × 10, तो दोनों का पेयर बनाए, 9 बार आया या 10 बार आया, 9 × 10 = 90, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या आपको चाहते हो नहीं हम तो फैक्टर करके ही करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 का डिवाइड दिया, 2 × 4 = 8, 1 उतारा डिवाइड जाएगा नहीं, 2 × 5 = 10, 4050 आया, फिर 2 का डिवाइड जाएगा, 2 × 2 = 4 = 0, 2 × 2 = 4 × 1 = 2 × 5 = 10, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, पीछे क्योंकि 5 आ चुका है, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 3 का चला जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 7 = 21, 1 × 3 = 5 = 15, 3 का चला जाएगा, कैसे, 6 × 7 = 13, 13 × 5 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब 5 × 2 = 7, 2 × 9, 3 का चला जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 का चला जाएगा, 25 में तो 25 का ही जाएगा, 5 आया 1 आया, तो यानी कि अगर आप चाहते हो इस तरीके से करना तो ऐसे भी हो जाएगा, 2 आया 2 बार, 3 आया 4 बार, 1, 2, 3, 4, और 5 आया 2 बार, तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, पेयर पेयर कितना बार आया, 2, 3, 3 और 5, देखो जरा, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, चाहो आप इस तरीके से कर लो, दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।